दोस्तों नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम जा रहे हैं नागांव बीच अलीबाग जो कि है मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी। और सभी तैयार हैं और गाड़ी अपनी तैयार है, बैठते हैं, सामान रखते हैं, सामान है काफी सारा। और जयश्रीका, मुंबई से जैसे ही हम नागांव की तरफ जाते हैं, नागांव बीच की तरफ, तो मुंबई के अंदर ही ये पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए इस खूबसूरत नज़ारे को। मिलते हैं व्लॉग के लास्ट में। तो अभी लगभग हम निकले हैं मुंबई से 50 किलोमीटर के आसपास और अभी कुछ खा पी लेते हैं, भूख लग रही है। और यह है हमारा रेस्टोरेंट, वेलकम रेस्टोरेंट। तो जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं व्यू, पहाड़ों का व्यू है सारा और हाईवे भी काफ़ी प्यारा है, हाईवे का व्यू जो है। तो चलो चलते हैं फिर। तो हो गया थोड़ा बड़ा पाव खाते हैं, बहुत बीच तो अभी शूज पहन रखे थे, अभी पहनते हैं चप्पल और फिर चलते हैं। ठंडी हवा चल रही बढ़िया। तो अभी चलते हैं मेन बीच पे और धूप तो है काफी तेज लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है, लेकिन यहाँ ज्यादा साफ सफाई नहीं है।
तो ये भी है यहाँ पे बैठ के घूमने के लिए, और यहाँ पे बाइक भी है। और इसका अगर आप मैप पे देखेंगे ना तो ये समुद्र ही समुद्र दिखेगा बहुत दूर तक। देख लो जैस्विका को धूप ना लग जाए बिल्कुल भी। हैं जैस्विका बेटे हॉर्स राइड भी होती है जो कि 100 रुपए पर किलोमीटर रहती है, तो आप यहाँ इसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पानी तो ज़्यादा साफ नहीं है क्योंकि यहाँ रेत आता है सारा इसके साथ पानी के, जैसे पानी की पटार आती है तो वो अपने साथ रेत को लेकर आती है काफ़ी सारे, तो इस वजह से थोड़ा गंदा, रेत की वजह से गंदा है, वैसे पानी गंदा नहीं है। और बहुत ठंडी हवा चल रही है, धूप तो काफ़ी तेज है, और व्यू ऐसा है कुछ जो कि काफ़ी शानदार व्यू है, मन भी काफ़ी लग रहा है यहाँ, और सब फोटो क्लिक करवा रहे हैं। बनाओ बनाओ भाई, फुल एंजॉय चल रहा है। देखो ये लगा लिए डबल क्योंकि धूप हो रही बहुत तेज। ये स्वाति का, इससे रुकानी कैप भी लगा लूं। चलो ऐसे सिस्टम से ले लूंगा, धूप आए ना छाओ, कपड़ा अपन पहुंचे नहीं गाओ ना धूप आए ना छाओ। तो अभी फ़न करने के बाद, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद अब जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि गर्मी है काफ़ी, और गर्मी भी है और ज़्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। तो अब कहाँ चलेंगे अपन? तो अभी हम कहाँ जाएंगे अभी हमें भी नहीं पता, आप चलते रहो हमारे साथ, पूरा व्लॉग देखना लास्ट तक। तो यहाँ जो है, मतलब मैं पहले चप्पल पहन के चल रहा था, तो लेकिन चप्पल पहन के चलने में जो है ना थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि चप्पल को पकड़ रही थी ये मिट्टी, तो चप्पल निकाल दिए सबने और चप्पल ले ली अपने हाथ में, और अब घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जो आप देख रहे हो ना सीप, ये आपको यहाँ इतने सारे मिलेंगे बहुत समुद्र के पास। ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे वाइट, ये सारे सीप हैं। यहाँ पे बड़े सीप भी हैं, छोटे भी हैं, तो यहाँ इसी तरीके की है सारी। तो यहाँ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और नाव है, और एक
उधर भी पानी के अंदर भी दो नाव खड़ी हैं यहाँ पे, और लोग जो बाइक से आए हैं वो बाइक घुमा रहे हैं यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक नदी टाइप है छोटी सी, इधर है सारा जंगल पीछे, तो जंगल में से ये सारा पानी आ रहा है और साफ पानी है, इतना गंदा पानी नहीं है, और ये गिर रहा है समुद्र के अंदर। ये नागांव बीच जो है अलीबाग, ये है मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, और जैसा कि मैंने अभी आपको सारा कुछ दिखाई दिया है, बीच दिखा दिया, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, और रोड्स यहाँ की रोड्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और यहाँ पे मुंबई टू सिप से भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी है तो वो भी सिप से आ जाएगी, और आप सिप से भी आ सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा, और उसका तो मतलब नज़ारा ही कुछ अलग रहेगा अगर आप सिप से आएंगे, और रोड इतनी अच्छी नहीं है। तो इस व्लॉग में इतना ही रहने वाला था, मिलते हैं अगले व्लॉग में।